एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MSA स्टडी टॉक्स पर। तो झारखंड हाईकोर्ट में आज झारखंड पेंडिंग शिक्षक नियुक्ति पर, जो कि गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति पर सुनवाई होनी थी और आज का डेट निर्धारित किया गया था, तो हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला दिया गया है। इसी के बारे में आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। और आज की जो महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त आज फैसला आया है, तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ इस तरह की जानकारी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए डिटेल्स में जानकारी देंगे। उससे पहले आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 8 हफ्ते में झारखंड में जो गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति का मामला था, उसको यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला और आदेश दिया गया है। तो झारखंड में पेंडिंग शिक्षक नियुक्ति मामले में आज जो सुनवाई होनी थी, यानी लगभग 10 फरवरी को ये रिजर्व रखा गया था और लगभग 2 महीने बाद यानी आज 11 अप्रैल को हाईकोर्ट में फैसला होना सुनवाई था। और आज जो फैसला सुनाया गया है, इसमें जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में 8 सप्ताह में टोटल झारखंड के 11 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है। यानी बहुत बड़ा फैसला, जो कि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग अपडेट करते रहते हैं, लेकिन इसका जो है लगातार डेट बाय डेट यहाँ पे मिलते जा रहा था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से। तो कोर्ट ने कहा है कि जिनकी अनुशंसा की गई है उनकी नियुक्ति जल्द करें, वहीं जिनका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है उनका परिणाम जारी कर नियुक्ति किया जाए। तो झारखंड हाईकोर्ट में संस्कृत के साथ शिक्षक के साथ साथ और PRT 25% शिक्षक नियुक्ति पर यहाँ पे बहुत लंबे समय से ये सुनवाई चल रहा था, और आज इस पर हाईकोर्ट ने ये फैसला देते हुए कहा कि जिनकी अनुशंसा कर ली गई है उनकी नियुक्ति करने के लिए कहा गया है, जबकि जिनका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है उनका भी परिणाम जारी करके नियुक्ति करने के लिए कहा गया है। तो अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका लंबित नहीं है। दरअसल ये पूरा जो मामला है, आप सभी को बता दें, गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक अभ्यर्थी की जो नियुक्ति के सिलसिले में झारखंड हाईकोर्ट में ही फैसला सुनाया गया है, जो कि आप लोगों को लगातार इस चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग नज़र यहाँ पे देखिए कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में हाईस्कूल शिक्षक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति 8 सप्ताह में करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि जिन जिलों में रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है उनका परिणाम जारी कर नियुक्ति की जाए। इस संबंध में अनिल कुमार एवं अन्य ने याचिका दायर की थी। सोमवार को जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका लंबित नहीं है, इसलिए सरकार 11 अनुसूचित जिलों जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, इन सभी जिलों पर नियुक्ति में कोई रोक नहीं लगा सकती है। तो उसके बाद देखिए, प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने अदालत में दलीलें पेश की है, और जबकि अधिवक्ता योगेंद्र यादव और राजश्री सिंह ने भी उनका सहयोग किया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक सुनवाई हुआ है और फैसला दिया गया हाईकोर्ट में, जो कि 11 जिलों में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति से रिलेटेड है। तो प्लीज़ इस तरह की जानकारी दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और चैनल के साथ बने रहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।